जो बैंक है जिनका आम कन्वेंशनल बैंक है या मगरबी तर्ज निज़ाम, पाकिस्तान में कोई इस्लामिक बैंक नहीं है, सब झूठ है, फसाद है, धोखा है, फरेब है, सूद के ऊपर लेबल बदल दिया गया है। मिजान बैंक का दावा है कि रिबा फ्री है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप इस वक्त मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। ये गिलास अगर नकद पर लेते हो तो 10 रुपए का है, एक महीने के बाद पैसे दोगे तो 11 रुपए का है। व्हाट इज दिस 1 रुपी, बताइए ना। ठीक है नहीं, 1 रुपया उस पे चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज किया है? उनका दावा तो है कि प्रॉफिट है। ये पहले से तयशुदा प्रॉफिट ही का नाम सूद है, कोई बैंक नहीं, सब ये धोखा है, फरेब है, या वो मीजान हो, अलफला हो, कोई भी हो जी। ये जो कारोबारी लोग हैं, जब किसी माल की कीमत गिरती है तो वो उसको गिराकर बेचते नहीं हैं, वो कहते हैं जी हमने तो पुरानी कीमत पे ख़रीदा है, जब ये माल निकल जाएगा नया आएगा तो फिर हम नई कीमत पे कम कीमत पे दे, तो क्या ये भी सूद नहीं हुआ कि वो कहते हैं हमें नफा ही नफा हो, नुकसान ना हो तिजारत। असल में ऐसा है, अगर कोई शख्स अपना माल रोकना चाहता है तो उसे इसका इख्तियार है, बशर्ते कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हो माल। अगर माल मार्केट में सिरे से अवेलेबल ना रहे, होल्डिंग हो जाए तो ये हराम है। सूद का ना आप इतलाक कीजिए, इस पर होल्डिंग है, होल्डिंग जो है एहतिकार हराम है। वैसे तो ये जाहिर बात है कि एक शख्स जो है उसने अपने अपने स्टोर के अंदर इतने हजार मन जो है गंदम रखी हुई है बेचने के लिए, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बाजार में गंदम अवेलेबल नहीं है, बाजार में गंदम मिल रही है, उस वक्त तक इसे आप एहतिकार नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि अगर गंदम न मिल रही हो और आप रोक कर बैठे रहे तो ये एहतिकार है और ये हराम है जी। और किसी भी बुराई का साथ देने वाला वो भी उसी में शामिल होता है, चाहे वो उस बुराई में खुद शामिल ना हो। जिस तरह बैंक हैं, अब इसमें हम लोग अपने पैसे जमा कराते हैं लेकिन वो तो उस पैसे से भी सूदी कारोबार करते हैं, क्या हमारा उन बैंकों में पैसा रखना जायज़ है? मेरे नज़दीक बैंक में पैसा रखना एक तो हो सकता है कि आपने वो सेविंग बैंक का अकाउंट रखा हो, सूद ले रहे हो तो हराम। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर सूद ले रहे हैं तो हराम। अलबत्ता ये कि अगर आप करंट अकाउंट रखें तो मैं उसे हराम नहीं कहूँगा, अगरचे मुनासिब ये भी नहीं है, क्योंकि आपने जो बात कही सही है कि यू आर सपोर्टिंग देम, लेकिन अब क्या करें। वैसे भी ट्रांजैक्शन के लिए भी कारोबार के अंदर पैसा यहाँ से वहाँ भेजना है, क्या करें, किस तरह करें। सर्विसेज हैं बैंक की, वो जायज़ हैं, वो हराम नहीं है। अगर आप TT भेजते हैं और उसके ऊपर वो कुछ पैसे जो है अपना कमीशन देते हैं, जायज़ है, तो सर्विसेज जायज़ हैं। अगर वो उन्होंने कोई जो है वो बना दिए हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं और उनके अंदर आपने अपने कुछ वैल्यूएबल्स आकर रख दिए हैं तो जाहिर आप किराया देंगे उसका, तो इसी तरीके से मामला। लेकिन ये कि मुनासिब नहीं है, मुनासिब ये है कि आप ना रखें कुछ भी वहाँ पर। अगर आपके पास कुछ है ही तो बेहतर है कि उसे रियल प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, किसी और तरह पर रखें, सोना लेकर रख लें, लेकिन अतहतल इम्कान कोशिश करें कि बैंक में ना रखें। आपने कहा कि ये सूदी निज़ाम है सारा बैंक का, तो जो लोग बैंक में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका इस लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो मिलेगी सैलरी, क्या वो भी हराम की उसमें आएगी? कि मैं यहाँ फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुनासिब है कि बैंक की सर्विस न की जाए, मैं ये मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो 100% सूद का मामला है। बेसिक प्रोपोजिशन क्या है कि कम शरा सूद के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लो और ज्यादा शरा सूद के ऊपर लोगों को डिपॉजिट दो, तो इसकी आमद भी और इसकी रफ्त भी दोनों सूद पर है। तो मेरे नज़दीक जो है इसकी मुलाजमत छोड़कर अगर 20,000 की मुलाजमत की जगह कोई जगह पर आपको 10,000 की मिल जाए तो वो बेहतर है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि कोई शख्स भी हम में से 100% सूद से फारिग नहीं है। हमारी फिजा में सूद है, हमारी गिजा में सूद है, जो गंदम का दाना हम मार्केट के अंदर जाता है उसके अंदर सूद शामिल है। उसके लिए बीज खरीदा गया था सूदी कर्जे पर, उसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदे गए थे सूदी कर्जे पर, उसके लिए खाद ली गई थी सूदी कर्जे पर, उसके लिए अगर ट्रैक्टर लिया गया था सूदी कर्जे पर, एक एक दाने में सूद है। तो हुजूर ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि चाहे कोई शख्स सूद खाए ना, लेकिन सूद उसके अंदर, सूद का गुबार या दुखान ज़रूर जाएगा। अगर हवा में
डस्ट सस्पेंशन है तो आप सांस लेंगे तो वो डस्ट तो आपके अंदर जाएगी। अगर इस कमरे में खुदा ना खास्ता इस वक्त कोई ऐसी शक्ल हो जाए कि धुआं भर जाए तो सांस लेने के लिए आपको जीने के लिए सांस लेना है और सांस के साथ धुआं जाएगा। ये दो ही अल्फाज हुज़ूर ने इस्तेमाल किए, गुबार और दुखान, ये तो जाएगा, ये तो हर एक के अंदर जा रहा है। लेकिन जहाँ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन सूद की हो रही है उससे तो बचे कम से कम। बैंक के मुतबादिल इस्लामी निज़ाम में कोई सिस्टम में चल रहा है किसी मुल्क में या आपके पाकिस्तान में कुछ इसके इम्कान हैं? मेरे यह तक कहीं नहीं, ये सब उसी कैपिटलिज्म की जो है लेबल बदल दिए गए। अब जैसे कि मार्कअप, मार्कअप क्या है? सूद है। आप जिस बैंकर से पूछेंगे वो कह देगा सूद है। आपने नाम बदल दिया, शराब की बोतल के ऊपर आपने रू अफजा का शरबत लिख दिया है तो शराब। ये जब तक जहनियत नहीं बदलेगी, दौलत परस्ती जब तक इसकी जड़ें नहीं निकलेगी जड़ों के अंदर से, सूद खत्म नहीं हो सकता। सूद खोरी दौलत परस्ती का इजहार है। वरना आपके पास जायद पैसा है, आपकी जरूरत अल्लाह पूरी कर रहा है, आपको 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, आप किसी गरीब को भी तो दे सकते हैं ना। अल्लाह के बैंक में जमा करा दीजिए, वहां तो 700 गुना मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। आप किसी अपने भाई को दे दीजिए कि वो कुछ कारोबार अपना शुरू कर ले, कोई दुकान डाल ले छोटी सी, कोई किराने की दुकान डाल ले, और उसमें से यह कि आप उससे कर्ज ले लीजिए, कर्ज हंसना वापस ले लीजिए, ये भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन जहां दौलत की परस्तिश हो रही हो,